रिजर्वेशंस में जो है वो ट्रांसजेंडर्स को मिलना चाहिए। हर एक ट्रांसजेंडर के अंदर बहुत सारा स्किल्स रहते, फिर वो स्किल्स के हिसाब से वो लोग को कहाँ पे भी जॉब नहीं मिल रही। महिलाओं का कॉलेजेस नहीं है, स्पेशल कॉलेजेस नहीं है, वो स्पेशल कॉलेजेस भी चाहिए। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो सेक्स चेंज सर्जरी है उसका उल्लेख और उसकी जरूरत इस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा गया है। वी आर डिमांडिंग टोटल प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, इट इज अ डिजायर एंड डिमांड ऑफ वुमेन। मेन डिमांड है ट्रांसजेंडर लोगों का कि वेलफेयर बोर्ड बनाना है। वेलफेयर बोर्ड बनाने से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसजेंडर मुद्दों के ऊपर रोशनी डालेगा, उनके ऊपर काम करना शुरू करेगा। अहम मुद्दा एजुकेशन है, औरत बच्चियों को भी अच्छे से पढ़ने का मौका देना चाहिए। जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो औरतें काम कर रही हैं उन सबका अपने बोलने का मौका डिसीजन मेकिंग बॉडीज में मिलना ही चाहिए। जे या देशात यापूर्वी कधीही घडलं नाही ते पहिल्यांदा तेलंगणामध्ये घडतंय। इथं निवडणुकीत महिला आणि ट्रान्सजेंडरच्या मागण्यांचा स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला। या मुद्द्यांवर गेली अनेक वर्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या एकत्र आल्या, त्यांनी विमेन अँड ट्रान्सजेंडर कम्युनिटीज जॉईंट ॲक्शन कमिटी बनवली आणि आपल्या मागण्यांचा हा जाहीरनामा सर्वांसमोर ठेवला। We couldn't succeed much in गेल्या 4.5 वर्षात आम्ही फार काही यशस्वी झालो नाही। आता निवडणुकीची ही वेळ योग्य आहे असं वाटलं, मग आम्ही या वेगवेगळ्या मुद्द्यांना घेऊन परत सुरुवात केली। विशेषतः ट्रान्सजेंडरचा मुद्दा आम्ही हाती घेतला। ट्रान्सजेंडर इश्यूज वी इन्क्लूडेड। या जाहीरनाम्यात महिला आणि ट्रान्सजेंडरसाठी शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, नोकरीमध्ये आरक्षण आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसेला प्रतिबंध यासोबतच सगळ्या जाती धर्मांच्या अभ्यासक्रमात समान उल्लेख असणं, महिलांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ उभारणं आणि राज्यात संपूर्ण दारूबंदी करणं अशा मागण्या। आम्ही ठरवलं की सगळ्या राजकीय पक्षांना भेटायचं, या जाहीरनाम्याविषयी चर्चा करायची आणि त्यांना विनंती करायची की आमच्या या मागण्या त्यांनी स्वतःच्या जाहीरनाम्यात सामील कराव्यात। मोठे राजकीय पक्ष त्यांचं ऐकतील वा ना ऐकतील, पण कोणाला तरी समोर येऊन ही लढाई लढावीच लागणार होती। त्या लढाईचा चेहरा बनल्या चंद्रमुखी। चंद्रमुखी तेलंगणाच्या निवडणुकीतल्या यंदा एकमात्र ट्रान्सजेंडर उमेदवार आहेत। त्या बहुजन लेफ्ट फ्रंटतर्फे गोशामहल मतदारसंघातून रिंगणात आहेत। व्यवसायानं एक क्लासिकल डान्सर आणि अभिनेत्री असलेल्या चंद्रमुखी मानतात की जर त्यांच्या मागण्यांसाठी त्या स्वतः उभे राहिल्या नाहीत तर इतर कोणीही उभं राहणार नाही। अभी तो कितने सारे भी लोगों के पास हम जाते हैं, रिप्रेजेंट देते हैं, लेकिन कोई भी एक भी पॉलिसी लेवल चेंज के बारे में जब डिस्कशंस होते हैं तो वहाँ पे हमारा 1% नहीं 0% प्रेजेंसेंस है। थोड़े बहुत वुमेन्स है वुमेन्स के बारे में बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा तो मेन्स बैठते हैं कि वो लोग अधिकार जलाना चाहते हैं तो वो लोग बैठते हैं, तो हम लोगों कहाँ पे वहाँ पे जगह नहीं है। तो अगर हम भी पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं और ये लोकसभा विधानसभा में हर सभा में अगर ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमारे लिए जल्दी बेनिफिट्स होंगे। भारतीय राजकारणाला जेंडर इक्वालिटीचं कायमच वावडं राहिलेलं आहे। काही ठिकाणी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आम्ही आरक्षण दिलं म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेतो, पण तरी सुद्धा त्याच भारतामध्ये नागालँडसारखं एक राज्य असतं जिथे आजपर्यंत एकही महिला आमदार होऊ शकली नाही। तिथेच या तेलंगणासारखं पण एक राज्य आहे जिथे एकही महिला मंत्री नाही। ट्रान्सजेंडर्स तर मुख्य प्रवाहापासून कित्येक कोसो दूर आहेत, त्यामुळंच अशा वेळेस या प्रकारचा जाहीरनामा तयार होणं हे केवळ तेलंगणासाठीच नव्हे तर भारतीय राजकारणासाठी महत्त्वाचं आहे। मयुरेश कोंडूर, BBC।